हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम लोग किस लिए डीआई सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बैन डायग्राम से रिलेटेड होगा। और यहां पर जो डेटा दिया है वो फेल्ड और पास स्टूडेंट्स का दिया है। आपकी जो आईबीपीएस प्योर क्लर्क की सीरीज है, इसमें क्वांट की क्लास 2 होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की क्लासेस 1 से 2 दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 1 से 2 दिनों तक आपको रीजनिंग क्लासेस नहीं मिलेंगी, ओके। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किस लिए डीआई जो क्वांट्स का सेशन होगा, और भी कुछ चीज़ें जो किस लिए डीआई में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे में डेटा निकालना होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यहाँ पर अपने डाउट्स पूछें, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इससे हम लोग निगेटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। जैसे मैंने कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, जो कि ए जो है वो एक सब्जेक्ट है, ओके। और यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि जो 30% लोग हैं, ठीक है, 30% जो कैंडिडेट हैं वो इस पेपर में पास हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, आप ये कहोगे कि ए में भाई 30% लोग जो है वो पास हो गए, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं निकालोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको ये कह दूँ ओनली 30% पीपल पास्ड इन द ए सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली 30% पीपल, तो अब यहाँ पर मैंने ओनली लगाकर क्या है कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल 30% लोग जो है वो पास हुए। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमेनिंग 70% लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, फेल्ड हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि क्या है केवल 30% लोग पास हुए हैं। इसका मतलब 70% लोग क्या हो गए, फेल्ड हो गए। तो यार ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आज हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि केसलेट जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके बैन डायग्राम से बनेंगे, ठीक है, तो बैन डायग्राम में क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 वाला दिया होगा, ठीक है, 3 वाला ही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो आप एक दूसरे को इंटरसेप्ट मतलब काटते हुए बनाना है। कुछ क्वेश्चन आपके टेबल से बन जाएंगे, ठीक है, टेबल में आपने यहाँ पर कुछ एंटिटीज लिख ली, फिर इनकी वैल्यू निकल कर आएंगी, ठीक है, फिर इनका टोटल निकालोगे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो यार हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे, आज हम कर रहे हैं बैन डायग्राम, इसके बाद हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम लोग टेबल की तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर टॉपिक को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप इसको एक बार देखो, मैं हिंदी में भी पूरा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है देयर आर 90 लाख कैंडिडेट्स हु गिवन एग्जामिनेशन, ठीक है, 90 लाख लोगों ने क्या है कि एक एग्जाम दिया जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट्स रीजनिंग क्वांट एंड इंग्लिश। तो मतलब रीजनिंग का सब्जेक्ट है, क्वांट का है और इंग्लिश का, 3 सब्जेक्ट हो गए। तो यहां पर क्या है कि अभी केवल हमें पता है कि इतने लाख लोगों ने एग्जाम दिया जिसमें 3 सब्जेक्ट है, तो आपकी 3 एंटिटी बनेंगी। फिर अब देखो डेटा पास और फेल का क्या कैसे क्या दिया है, 33.4 लाख लोग जो है वो पास होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। तो मतलब एक तरफ आपको क्या करना है कि जो पास्ड कैंडिडेट्स हैं इनका डेटा बनाना है, एक तरफ आपको क्या करना है जो कैंडिडेट्स फेल्ड हो रहे हैं इनका डेटा बनाना है, ओके। तो पहले क्या करते हैं, पास के लिए हम बैन डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग मान लिया, ये हमारा हो गया क्वांट और ये हमारा हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब एक बहुत ही क्लियर चीज़ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या चीज़ है, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। अब देखो ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 जो है बॉक्स अलग अलग सेपरेट हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल रीजनिंग की बात करूँ कि पूरा जो रीजनिंग का सेक्शन है वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब अगर मैं केवल कहूँ ओनली रीजनिंग कह दूँ, ठीक है, तो ओनली रीजनिंग में केवल ए आएगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ऑल 3 तो ये आपका आ जाएगा क्या, सी वाला पोर्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, अगर मैं कहूँ रीजनिंग एंड इंग्लिश, अगर मैंने यहाँ पर कह दिया रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो देखो रीजनिंग एंड इंग्लिश में ये वाला रीजनिंग और ये इंग्लिश, तो इसमें डी प्लस सी ये दोनों वैल्यूज काउंट होंगी। अगर मैंने यहाँ पर कह दिया ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है, तो केवल आपका आएगा डी। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये नोट कर लो, हर जगह आपकी वर्क करती है, ओके। तो अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम तीनों एंटिटीज को एक बार बना लेते हैं, ये हो गया आपका रीजनिंग का, ये हो गया आपका क्वांट का, ये हो गया आपका इंग्लिश का। इसी तरह से हम लोग फेल्ड वाला डेटा भी बना लेते हैं, ये आपका हो गया रीजनिंग, ये हो गया क्वांट और ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। ये आपका हो गया फेल का और ये आपका हो गया
पास वाला, ठीक है। इसमें क्या है, 33.4 लाख जो है वो पास होते हैं तीन सब्जेक्ट में, ऑल द थ्री, ऑल सब्जेक्ट मतलब ये बीच की यहां पर बात हो रही है, ये कितना हो जाएगा 33.4, इतना आ गया। फिर क्या है कि 12 लाख जो है फेल्ड होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, तो 12 लाख जो है वो फेल्ड वाले में आ जाएगा, ठीक है। पास का ये है और फेल्ड का डेटा ये वाला है, ओके। अब इसके बाद कहा गया है कि 35 लाख जो है वो फेल्ड हैं, किसमें, रीजनिंग में। तो अगर यहां पर कहा गया है कि रीजनिंग में 35 लाख फेल्ड हैं, तो रीजनिंग की टोटल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 35 लाख। देखो यहां पर अब रीजनिंग में क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला भी कंबाइंड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये चारों सेक्शन मिलाकर 35 बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कहता है कि 39.8 लाख जो है वो किसमें फेल्ड होते हैं, क्वांट में। तो क्वांट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 39.8 यहां पर, ठीक है। फिर कहा गया है कि जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें 38.2, तो इंग्लिश में कितने, 38.2 लाख लोग जो है ये फेल होते हैं, मैंने फेल का डेटा बना लिया। फिर कहा गया है 12.4 लाख जो है वो पास हैं, किसमें, ओनली रीजनिंग में। देखो ओनली रीजनिंग यही वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, ओनली रीजनिंग। तो 12.4 जो है वो यहां पर आ जाएगा। इन द सेम वे 9.6 जो है किसमें, ओनली क्वांट में, तो ये आ गया यहाँ पर 9.6, और 10.4 जो है वो केवल ओनली इंग्लिश में, ठीक है। अब टाइम है कि इस पूरे ग्राफ को कंप्लीट किया जाए, पास वाली एंट्रीज को और फेल वाली दोनों एंट्रीज को, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर साथ में नोट कर लें, एक बॉक्स बनाकर, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बनाए। इसमें ये देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, 10.4 ओनली इंग्लिश में क्या है, पास हुए। अगर मैंने कहा 10.4 लाख लोग ये पास होते हैं किसमें, ओनली इंग्लिश में, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल ये इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो इसका मतलब बाकी बचे हुए दो सब्जेक्ट रीजनिंग और क्वांट में क्या है, ये फेल हो रहे हैं। और ओनली का रिप्लेसमेंट क्या होता है, ओनली होता है। तो अगर मैंने कहा कि ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ओनली रीजनिंग और क्वांट के इस वाले सेक्शन में, ठीक है, ये वाला सेक्शन केवल, इसमें ये लोग आ जाएंगे, फेल हो रहे होंगे, ठीक है। तो 10.4 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10.4 लाख लोग केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रीजनिंग और क्वांट में 10.4 लाख जो है वो फेल हुए, ये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से सारी वैल्यूज को देख लो, ये 9.6 ओनली क्वांट है, तो इसका मतलब रीजनिंग और इंग्लिश में ओनली वाले सेक्शन में ये लोग फेल हुए होंगे, तो 9.6 यहां पर आ गया। इसके बाद देखो 12.4 ओनली रीजनिंग, तो इसका मतलब क्वांट एंड इंग्लिश, ये ओनली वाला पोर्शन यहां पर कितना आ जाएगा, 12.4 लाख लोग यहां पर फेल्ड होंगे, क्योंकि जो लोग यहां पर पास हो रहे हैं, मैंने कहा केवल रीजनिंग में 12.4 लाख लोग जो है वो पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश और क्वांट है फिर वो इसमें फेल्ड हुए होंगे। अगर केवल इसमें इतने पास हुए इसका मतलब इसमें वो लोग फेल्ड हैं, ठीक है, ये आपने डेटा बना लिया। अब आप ये देखो कि क्या आप यहां से निकाल सकते हो, अगर मुझे टोटल पता है 35, ठीक है, कि पूरे बॉक्स की वैल्यू है 35, 10.4 भी पता है, 12 भी पता है, 9.6 भी पता है, तो ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, 35 में से इन सबको ऐड कर लो। देखो 10.4 और 9.6 कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 और 12 32, तो 35 में से 32 को अगर मैंने लेस कर दिया कितना बचेगा, 3। तो ओनली रीजनिंग में जो फेल्ड हैं कैंडिडेट्स वो कितने हो जाएंगे, ओनली 3, इतना आ रहा समझ में। इसी तरह से इसको कर लो, 39.8 इसमें से 10.4, 12 और 12.8, ये 12.4 इसको लेस करोगे 34.8 आएगा, 39.8 माइनस 34.8 कितना आएगा, 5 आ गया। आगे आ जाओ 38.2 है, इसमें से इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 34, पूरा 34 आ जाएगा, क्योंकि देखो 12 और 9 21 और 2 23, 10 33 और 1 हो जाएगा 0.6 और 0.4 वाला, तो यह 34, 38.2 माइनस 34 कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 4.2, ओके, इतना हो गया। अब देखो यहां से क्या है, वाइस वर्सा, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने यहां पर ये वैल्यू निकाल दी कि जो आपका ये इंग्लिश वाला सेक्शन है इसमें ओनली फेल्ड वाले निकाल रहा हूं, ठीक है, जो ओनली 4.2 लाख लोग जो है वो ओनली इंग्लिश में फेल्ड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब वो ओनली रीजनिंग एंड क्वांट में पास हुए होंगे, तो यहां पर 4.2 आ जाएगा,
समझ में आ रहा है, मतलब ओनली 4.2 अगर फेल्ड है इंग्लिश में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली रीजनिंग एंड क्वांट में ये लोग क्या होंगे, पास जो होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर देख लो, अगर ओनली 5 जो है वो क्वांट में फेल्ड हो रहे हैं तो रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली वाले पोर्शन में यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर 3 लोग केवल रीजनिंग में फेल्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वांट और इंग्लिश इसमें ये लोग पास हो रहे होंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं फिल, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले आप क्या करो, रीजनिंग की टोटल वैल्यू निकाल लो, इस पूरे सर्किल को आप ऐड कर लो। ठीक है, जैसे देखो यहां पर ए बी सी डी इन सबको ऐड कर लो, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो ए बी सी डी इसको भी आप ऐड कर लोगे, अगर इंग्लिश की बात करूंगा तो ए बी सी डी इन सबको मिलाकर ये कर लोगे। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में आप ऐड करोगे। ओके, तो ये पास्ड हो गया और ये हो गया फेल्ड वाला रिकॉर्ड। ठीक है, अब अगर आपसे केवल ये कहा जाए कि आप ये बताओ टोटल कितना फेल, टोटल कितने पास हुए हैं या फिर टोटल कितने फेल्ड हुए हैं, ठीक है, अगर आपसे ये चीज निकालने को कह दिया जाए तो आप क्या करोगे। देखो आपने जैसे रीजनिंग का पूरा सर्किल यहां पर कवर कर लिया, रीजनिंग जो है ये पूरा है, तो देखो रीजनिंग के अंदर जितनी वैल्यूज आई आप सारी एक बार लिखकर ऐड कर लो, बाकी रिमेनिंग एक ये और एक ये इन सबको ऐड करोगे तब क्या आ जाएगा, टोटल पास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, इसमें लिखा है हाउ मेनी कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, मतलब कि जो इंग्लिश के एरिया के अंदर, मान लो कि एक ग्राउंड है जो कि इंग्लिश के अंतर्गत आता है और इसमें जितने भी सब ये होंगे एलिमेंट्स वो सब ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 33.4 प्लस 3 प्लस 10.4, पहले पूरी वैल्यू जोड़ लो, 33 और 5 38, 38 और 3 ये हुआ 41 और 10 51 और 0.4 तो कितना आ गया 51.8 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपसे फेल्ड का भी पूछ सकता है, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ असाइनमेंट के तौर पर, आप मुझे बताओ कि कैलकुलेट द टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स इन क्वांट सेक्शन। ठीक है, मुझे बताओ टोटल जो क्वांट सेक्शन है उसमें कितने फेल्ड हैं, तो इसलिए क्या आप यहां से इन सबको जोड़कर निकाल सकते हो। ओके, या फिर आपसे कोई भी चीज़ क्वेश्चन में पूछ ली जा सकती है। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्वांट एंड इंग्लिश में कितने हैं, तो आप क्या है इस पूरे को ऐड करोगे। अगर आपसे पूछा जाए ओनली क्वांट एंड इंग्लिश तो केवल 12.4 फेल्ड वाले आएंगे। ओके, अब आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कहा गया कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि केवल 2 सब्जेक्ट में पास्ड हुए हैं। तो देखो यहां पर 2 एंटिटीज से मतलब होगा, अब ओनली लगा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि ओनली वाला तो पोर्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला हो गया, और अगर इसकी बात करोगे तो ये वाला हो जाएगा। तो अगर आप ओनली 2 सब्जेक्ट्स की बात करोगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, ओनली इंग्लिश एंड क्वांट, ओनली रीजनिंग एंड क्वांट, क्योंकि ये भी 2 ही सब्जेक्ट्स में काउंट होंगे, ओनली रीजनिंग एंड क्वांट, तो ये 4.2, तो यहाँ पर जोड़ लो 4.2 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 3 8 और 4 12, ये हो गया 12.2। ठीक है, ये आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा परसेंटेज बेस्ड है, इसमें आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन रीजनिंग इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब ये कहा गया कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो केवल, यहां पर कहा गया कि ऐसे कैंडिडेट निकालो जो रीजनिंग में पास हुए हैं वो अप्रॉक्सिमेटली टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का कितना प्रतिशत है। टोटल कितना था क्वेश्चन में दिया है 90 लाख। ठीक है, रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जोड़ लो, ये है 12.4, ये 4.2, ये 33.4 और ये है 5। ठीक है, तो देखो 12 और 4 16, 16 और 5 21, ठीक है, 21 और 33 ये हुआ 54। देखो 0.4, 0.2, 0.4 ये आपका बन गया, 1 हो गया पूरा कंप्लीट, तो अब कितना हो गया, ये आपका हो गया 55। तो देखो रीजनिंग का सब्जेक्ट हो गया 55, और किस पर निकालना है, टोटल पर, टोटल कितना दिया है 90 × 100, परसेंटेज ही तो निकालना है, 5 से 11 बार, 5 से 18 बार, ये 2 से 9 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, 11 × 5 ये हो गया 550/9,
इसको देख लो, 9 से 6 बार गया, 54 हुआ, 1 हुआ, 10 हुआ, 9 से 1 बार गया, 61% लगभग आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर इस तरीके से डील होता है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली छोटा था, इजी बन गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको, आपने देखा ना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में पुट किया, और जो पॉजिटिव दिया था इसको हमने नेगेटिव में रखा। तो एग्जामिनर आपको ऐसा ही डेटा देता है कि आप कभी इसका यूज करके इस वाले डायग्राम में रख लो, कभी जब दो डायग्राम आपके केसेस में बनते हैं तब। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन था। अब बाकी जो केसलेट होते हैं वो आपके एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे केसलेट पूछ ले आते हैं, तो जो पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि SBI PO का एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं कि SBI PO का एग्जाम, SBI क्लर्क है, RRB PO, इसमें जो छोटे छोटे केसलेट पूछे गए, जैसे कुछ केसलेट थे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर थे, ठीक है, परसेंटेज बैंड डायग्राम के ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी मैं उन क्वेश्चंस को भी करा दूंगा प्रीलिम्स के लिहाज से, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन आपको दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखना होगा यार, अभी क्लासेस थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्स आएगा बिल्कुल होंगी। और कुछ लोगों का डाउट ये था कि सर प्रीलिम्स की क्लासेस तो हो जाती हैं, मेंस नहीं हो पाता, लेकिन इस बार हम IBPS PO के लिए प्रॉपर मेंस की भी स्ट्रेटजी रखेंगे, और अभी हम RRB के मेंस के लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें केवल आपके जो बेसिक डाउट है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने क्वांट से जुड़े सारे डाउट हमें ईमेल कर दिया करो, ठीक है। ईमेल आईडी हमारी आप सभी को पता है, ईमेल आईडी है currentaffairsfunda, आप यहां तक लिख लो, और @ लगाकर gmail.com, ठीक है। इस पर आप अपने क्वांट के क्वेश्चंस, ठीक है, कोशिश करा करो कि टाइप करके भेज दो, जिससे कि वीडियो आपके टाइम पर आ जाए, जल्दी आ जाए, बाकी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और आप अपना प्रॉपर क्वेश्चन एक फॉर्मेट में मुझे भेजना, ऐसा ना हो कि यार कुछ लोग क्या करते हैं बुक से क्वेश्चन खींचा और भेज दिया, ऐसा मत करो, क्योंकि उस क्वेश्चन को टाइप करना, समझना, फिर उसमें टाइम लग जाता है। अगर आपके पास में कंटेंट है आप उसको टाइप कर दो प्रॉपर, एक एक करके क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बना दो, ताकि थोड़ा अच्छा रहे, हम भी पूरा एक सेट यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी चीज़ें आप पूछो, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हुए काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहो यार, और ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, बिलीव मी कि मैं जो भी कंटेंट आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बनाता हूँ, और आगे भी बनते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ पर देख लो, कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और अभी 4 वीडियोस अपलोड है, आगे और भी आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे लगभग 25 से 30 क्लासेस आपको प्रीलिम्स के लिए मिले, बाकी फिर आगे मेंस करेंगे। इसमें हम लोग PO और क्लर्क दोनों कवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहे, थैंक यू, हैव अ गुड डे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।